मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं हरियाणा रोडवेज में परिचालक के पद पर कार्यरत हूँ। गाड़ी कल नार रोड से अमृतसर के लिए चली थी, इसमें मेरी ड्यूटी थी। कल सुबह 7:30 बजे गाड़ी अमृतसर बस स्टैंड पर पहुँच चुकी थी। उसके बाद शाम को गाड़ी को चलना 7:20, शाम को 7:20 चलती है अमृतसर से नारनौल के लिए। अब जब गाड़ी शाम को चलने के लिए आए तो गाड़ी वहीं पर नहीं थी, गाड़ी चोरी हो चुकी थी। पंजाब रोडवेज और पंजाब पुलिस वालों ने गाड़ी की बरामदगी यहाँ करवाई है, यहाँ गाड़ी मिली है। गाड़ी से 2 बैटरी चोरी है, 1 स्टेपनी चोरी है। उनका कहना है कि कनेक्टर बस लेके भाग गया था। नहीं, इसमें क्या सही है जी? उनका कहना है कि कनेक्टर, जो बस का कनेक्टर था, वो बस लेके भाग गया था। नो नो नो, बस के परिचालक तो हम थे सर, चालक परिचालक और कोई था सर। पुलिस कंप्लेंट की है आपने? सर पुलिस कंप्लेंट वहाँ यहाँ आई थी, पुलिस आई थी वहाँ, कागजी कार्रवाई कर गई है। उन्होंने क्या आश्वासन दिलाया आपको? उन्होंने यही गाड़ी की बरामदगी यहाँ करवाई है, गाड़ी को ढूंढवाने में मदद की है, गाड़ी यहाँ मिल गई हमें। गाड़ी से 2 बैटरी गायब है, 1 स्टेपनी गायब है, वो माल चोरी हो चुका है। आप क्या समझते हैं, पुलिस की निगरानी है ये जो चोरी हो रही है? सर ये तो पुलिस की तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पंजाब बस स्टैंड जो अमृतसर का बस स्टैंड है वहाँ से गाड़ी चोरी है। वहाँ एक बॉडी गार्ड, वहाँ एक चौकीदार है और उसने ही कुछ करवाया है, चौकीदार की वजह से ही हुई है, उनको सब मालूम है। जो बस स्टैंड का चौकीदार है उसने सब कुछ? हाँ, बस स्टैंड का चौकीदार है वहाँ एक। अपना नाम? सर मेरा नाम दीपक कुमार है। कहाँ के रहने वाले? सर मैं जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा का रहने वाला हूँ। नहीं, बस चोरी का तुसीं पुछिया वा, तो मेरे को कोई दरखास्त नहीं है इस संबंध में, जो दरखास्त होंगी है तो मैं क्लीयर करके तो दस देवगा जी। सर कुछ पता लगा कि कोई चोरी हुई है? मैं कहना पता नहीं लगा जी, मेरे को आएगा कोई दसेगा मैं आ गया कि मैं हड्डी आ बस आ या किस तरह वा, उस वे मैं क्लीयर करके तो उस वे नोटिस करा लगा। कोई नहीं, ना ना साढ़े कोई दरखास्त नहीं है।